नमस्कार, मैं सरगुण आलम। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। हम यूं ही नहीं कहते, हम दिखाते हैं प्रोपेगेंडा फ्री जनता का न्यूज। कल पटना नगर निगम की बैठक के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे चमचा नहीं है मैडम, आप होश में रहिए, आप होश में रहिए। चार दुकान में हम भी फाड़ देंगे आपको, होश में होश में आप रहिए। आपने जो कुछ भी नगर निगम की बैठक के दौरान अंदर की घटनाओं को देखा, उसके बाद अब आप आरोप लगाने वाली वार्ड 21 की पार्षद पिंकी कुमारी के आरोप लगाते हुए वीडियो को देखें। हम हमेशा कोई भी एजेंडा पे मुंह पे बोलते हैं। इससे पहले भी जब हमें स्थायी समिति से इस्तीफा दिए तो सच्चाई को सामने रखें कि मेयर का सुपुत्र पूरा नगर निगम पे कब्जा करता है। हमने मेयर को चुना था सीता साहू के रूप में, ना कि शिशिर को। यही बात का बदला हमसे लिया जा रहा है, इसीलिए आज अभद्रता हमसे किया गया। अभद्रता का व्यवहार क्या किया, इशारा किया और आंख मारा। मैडम जी, आंख मारा। क्यों आंख मारा, मतलब जैसे गंदे इशारे आखिर क्यों? सिटी मैनेजर गंदे इशारे इसलिए हुए कि पहले जो कंकड़बाग की माननीय पार्षद है, जैसे ही बैठक शुरू हुई तो माननीय पार्षद कंकड़बाग की जितने भी पार्षद है 12, वो सभी उठ के मेयर के चेयर के पास चली गई और कहने लगी कि हमारा इज्जत नहीं किया जाता है, जो स्कूटी अफसर है पूनम जी उनको हटाया जाए। काफी बोलने के बाद, विरोध के बाद मेयर को बोलना पड़ा ठीक है हटा दिया जाएगा। उसके बाद और भी माननीय पार्षद और भी समस्या और क्षेत्र की समस्या पे बात की है। उसके बाद जब हम बात किए सिटी मैनेजर जो संजय कुमार है, उसका आदेश लेटर करीब 1.5 महीना पहले आया हुआ था, तो उस पर हम सीधे नगर आयुक्त और माननीय मेयर से सवाल किए कि 1.5 महीना पहले जब आदेश लेटर हटाने के लिए आया गया था और इसको तत्काल बेगूसराय भेजने का आदेश जब दे दिया है तो इसको क्यों आप रख रहे हैं? ये गबन का मामला है, उधार किसी से लिया हुआ है तो उसको सूद समेत देने की बात इस लेटर में की गई है। जो आदेश लेटर हमारे पास नगर निगम मुख्यालय के पास आया, उसके बाद भी 1.5 महीना क्यों आखिर आप रोक के रखे, दबा के रखे, इसकी क्या कारण है? हमारे पास आदेश लेटर आ जाता है, आपके पास नहीं आता, तो नगर आयुक्त तो बोले कि नहीं हमारे पास नहीं। हमले नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमको इतना तक पता चला है कि आपके पास गया था और आप डांट के भगा दिए बड़ा बाबू को। मैडम आज जो घटना हुई है उसको लेके FIR आप दर्ज करवाइएगा, कहाँ कहाँ गुहार लगाने जाइएगा ये बताइए। जैसा कि हम वहाँ भी बोल दिए हैं कि अगर आइंदा मेरे साथ फिर से अभद्रता का व्यवहार करेगा तो हम न्यायालय जाएंगे, महिला आयोग जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि एक बार इसकी जांच कर ली जाए। अभी थाना में लिख के दीजिएगा। क्या बात है, रो क्यों रहे हैं आप? इसलिए कि एक महिला पार्षद जो ओल्ड थी वो कह रही कि झूठ बोल रही। हम क्यों झूठ बोले? अगर इस तरह की मेरे में, आज मेरा दूसरा टर्म है, मेरा ये दूसरा टर्म है, अगर इस तरह की बात रहती हम वैसी रहते तो इससे पहले भी तो बात आती, हम क्यों इतना झूठ बोलेंगे, अपने ऊपर क्यों आरोप लगाएंगे? सच्चाई बोल रही है। FIR करिएगा अभी। FIR हम करेंगे इसलिए क्योंकि हाथ हम पे उठा दिया गया है। इंद्रदीप चंद्रवंशी है जो 48 वार्ड का पार्षद है, वो हम पे हाथ उठा दिया है। आपको ये भी बता दे कि इतना डर है माननीय पार्षदों को मेयर के सुपुत्र से कि कोई बढ़ के हमारा मदद भी नहीं करेगा। वो इसलिए डर है कि उसको डर है कि इतना तेजी से काम हो रहा है तो काम रोक दिया जाए। तो इतना आपके साथ हुआ तो पुलिस के शरण में अभी FIR दर्ज कराने जा रही हैं आप? हम आवेदन अभी नहीं लिखे हैं, हम इसलिए अपने कार्यालय पे आए हैं कि आवेदन लिख के हम FIR करें। शिशिर क्यों जाते हैं, शिशिर का वहाँ क्या रोल है? शिशिर मेयर के कहने पे जाते हैं। मेयर कुछ पार्षद जो है उनके विपरीत चलते हैं, जो एजेंडाए जाते हैं और निगम हित के लिए, चूंकि हम पुरानी पार्षद हैं,
पिछले बार भी मेरा 5 साल रहा है, पुरानी होने के कारण कुछ जानकारी हमें भी है, तो उसको लेकर हमको लगता है कि कोई एजेंडा निगम हित के लिए नहीं है, पटना वासियों के हित के लिए नहीं, तो सीधे मेरा विरोध रहता है कारण दर्शाते हुए। और वो चाहती हैं कि नहीं पास करे, तो हम आज भी बोले हैं कि मैडम सिर्फ हम पास करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम मेरे जहन में बहुत सारा क्वेश्चन है, पहले उसका जवाब दीजिए उसके बाद पास करने के बारे में सोचिएगा। जैसा कि मेयर जानबूझ के रखती है कि कोई भी अगर भटकेगा तो उसको टारगेट कर लेना, यहाँ तक कि जो उसका सहयोगी जो सब जानता है मेयर का दाहिना हाथ बाया हाथ जो बोलिए, जो इंद्रदीप चंद्र बंसी है वहां भी बोर्ड की बैठक में लगातार हमसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया, मेयर जवाब नहीं दे के जवाब वो दे रही थी, कमिश्नर जवाब नहीं दे के जवाब वो दे रहे थे, इंद्रदीप चंद्र बंसी, और अंत तब हो गया जब हम पे हाथ चलाने की कोशिश की गई, हाथ हम पे उठा दिया गया था, उठाया गया, मेयर मैडम भी थी और भी माननीय पार्षद थे, सतीश गुप्ता भी हमसे बहुत उल्टा सीधा बात कहे कि आप जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, स्टैंडिंग से हटाए गए इसलिए आप कह रहे हैं, स्टैंडिंग से हम खुद हटे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अनर्गल चीज वहां पास होता था, उसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप चाहेंगे कि शिशिर कुमार आगे से निगम की बैठक में, बिल्कुल चाहेंगे, हम तो हम चाहेंगे कि वो हमसे साक्ष्य मांगा गया कि क्या साक्ष्य है कि हम आग मारे, हमसे ये साक्ष्य मांगा गया कि हम क्या आपको इशाराबाजी कैसे किए, हमने सीसीटीवी कैमरा तो कहीं नहीं लगी है कि हम आपको बता सकते, मेरे साथ हुआ है तो हम तो बोल सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते। बहुत बार ऐसा किया वो नहीं, पहला बार हुआ, बहुत बार हमसे जब स्थायी समिति में थे तो हमसे बोलता था कि जब स्थायी समिति में किसी एजेंडा पे मेरा विरोध था तो बैठक खत्म होने के बाद बोलते कि आपसे पच नहीं रहा आप दे दीजिए इस्तीफा, तो उस समय भी हम उसको बोले थे कि आप खबरदार हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आरोप की जांच एवं पड़ताल के लिए जनबोल न्यूज की टीम ने आरोपियों से बात की, आइए सुने सबसे पहले मुख्य आरोपी एवं मेयर के सुपुत्र शिशिर कुमार के बयान को। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, आपको पूरी बैठक समाप्त होने के बाद, बैठक में तो पहले से ही हम लोग को मालूम था कि विकास विरोधी उन लोग काम करेंगे, एजेंडाओं पे कुछ माननीय पार्षद के मिलकर इन लोग पहले से ही विरोध कर रहे थे, वो हम लोग को खबर 2 दिन पहले भी थी, और मेरे मुझ पे भी इल्ज़ाम लगेगा और इस तरह का नीचा इल्ज़ाम लगेगा ये नहीं लगा हमको, कि पहले से ही मालूम था कि आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ये मुझे अपने कुछ माननीय पार्षदों के द्वारा खबर हो गई थी। मीटिंग का बैठक ख़त्म हुआ, मैं खाना खा रहा था 2-3 माननीय पार्षद पति के साथ, और तभी पिंकी कुमारी मेयर मैडम के पास गए और बोले कि आपका लड़का ये शिशिर आँख मार रहा है और ये कर रहा है। मैडम ने मुझे बुलाया तो मैं गया, तो मैं तो बोला कि इनसे मुझे साल भर से बात भी नहीं है, जब स्टैंडिंग कमेटी में थी तब भी नहीं बात था, और आज भी इनसे कोई बातचीत नहीं है ना देखा देखी है, तो ये तो आरोप लगना था, वो हम लोग भी जान रहे थे कि आरोप मनगढ़ंत लगना है, निर्धार लगना है, उनको स्टैंडिंग से हटाया गया है इसलिए उनको ये आरोप मुझ पर लगना ही था। भाई मेयर के मैडम के मैं पुत्र हूँ, उनको लगता है कि इन्हीं मेयर मैडम को नहीं बोलकर तो फिर मुझ पर ही इंजाम आएगा, यही था। अवैध वसूली का धंधा उनका जोर शोर से चल विगत सालों से चल रहा है, ये उनको जन जन के उनके वोटरों को भी मालूम है, माननीय पार्षदों को भी मालूम है, निगम मुख्यालयों को मालूम है, 1 साल से लगभग उन पर भारी इधर आपको कंप्लेन हुआ है, वेंडरों से महीना लेना, वेंडरों के द्वारा FIR करना, आपको ये पार्किंग से पैसा लेना, अवैध होर्डिंग लगाना, ये सब मुख्य पेशा उनका है, आज भी था कुछ दिन पहले तक, उस पर कंप्लेन आने पर कोई भी मेयर को कंप्लेन देगा जनप्रतिनिधि या आपको जनता, तो मुझे तो फॉरवर्ड करते हैं निगम प्रशासन को, निगम प्रशासन इधर कार्रवाई की है लगता है, और इनका लेबर का भी इनके यहाँ बहुत चोरी है, लेबर ये नगन रखते हैं, इनके देवर के द्वारा वो एप्लीकेशन नगर विकास मंत्रालय में और निगम प्रशासन मेयर और नगर आयुक्त को आया था, उस पर भी जाँच हुई है, उस पर पाया गया इनके यहाँ गड़बड़ी, इसलिए ये अधिकारी और कर्मचारी पे ये आरोप भी लगा रही थी, और इसका ये सब आरोप लगाने और ये सब चीज़ बंद होने से ये बौखलाई में थे और मुझ पे आरोप लगा और स्टैंडिंग में हटी, इसलिए आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि आप ना तो पार्षद हैं और ना ही मेंबर के कोई सदस्य, फिर भी आप हमेशा निगम की बैठकों में मौजूद रहते हैं,
निगम की बैठक में मौजूद रहता हूँ, बोर्ड बैठक में, स्टैंडिंग कमेटी में आपको न मैं अंदर जाता हूँ न कहीं रहता हूँ। और निगम बोर्ड के बैठक में दरअसल दीर्घा में शुरू से ही, दो साल से जब से मेयर मैडम बनी है जून से, तब से हम लोग का स्थान दरअसल दीर्घा में बना हुआ है। और भी पार्षद के पति हो या पुत्र हो या उनके प्रतिनिधि बैठते हैं तो शिशिर कुमार क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैं बैठता हूँ और कोई नहीं बैठता है, ऐसा भी तो नहीं है। जब उन लोग को भी हटाएंगे तो मैं भी हट जाऊँगा, बाहर हो जाऊँगा। कि नियम 55 में धारा बिहार नियमावली एक्ट 1955 को देखा जाए, उसमें जनसाधारण के लिए भी लिखा हुआ है कि निगम बोर्ड में बैठक में दर्शन दीघा में दिया जाएगा। विधानसभा का भी यही नियम है, लोकसभा में भी यही नियम है। जो मैं सभी माननीय पार्षद पति या पार्षद प्रतिनिधि या मैं मेयर पुत्र हूँ या डिप्टी मेयर के पति सभी बैठते हैं उस मीटिंग में। और जो नियम का कोरम है वो मेरा पूरा वीडियो को देख लिया जाए, जब से मैं मेयर मैडम बनी है तब से वीडियो में देख लिया जाए कि मेरा क्या हरकत रहा है, या कोई इतने महिला पार्षद 49 महिला पार्षद है इस बार नगर निगम में, सरकार की ये उनका अच्छे विचार के कारण हुआ है। और हम लोग तो ये मानते हैं कि महिला पार्षद को आने से ये दो साल में जो विकास हुआ है, जो विगत 67 सालों में नहीं हुआ है, जो दो साल में हम लोग विकास देखे हैं, इसी के जलन से भाई जो पुराने पार्षद है उनको तो जलन हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, अभी कैसे हो गया। तो मैं माननीय पार्षद का आभार पर व्यक्त करता हूँ कि वो दो साल में जो काम दिखाए हैं वो 67 साल के बराबर दो साल में मैं हम लोग मेयर मैडम के नेतृत्व में उनके उन्हें सभी माननीय पार्षद के नेतृत्व में काम हुआ है। जो विकास विरोधी हैं उनको तो ये अनपच होगा ही और वो हम पे आरोप लगाएंगे। आपके पुत्र के ऊपर एक संगीन आरोप लगे और आरोप लगाने वाली भी एक महिला पार्षद है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला पार्षद जो थी अवैध काम के पार्किंग की वसूली कर रही थी, ठेले वालों से भेंडरों से भी वसूली कर रही थी, तो उसी से रोक लगाने प्रशासनिक कार्रवाई भी हम लोग निगम की तरफ से हुआ, उस पर वो लोग हट गया। और उसी के प्रतिशोध में कल मीटिंग में मेरे बेटे के साथ वो अवध आरोप लगाई है, गलत आरोप लगाई है जो शोभा नहीं देता है उनको। दो साल से हम लोग हैं यहाँ निगम में, वो भी थे स्टैंडिंग में, उन पर दो साल से आँख नहीं मारा और कल स्टैंडिंग में उनके गलत व्यवहार के चलते, पार्किंग के चलते उन लोग को हटा दिए। इसी से वो गुस्से में आकर कल मेरे बेटे पर आरोप लगाई है, आँख मारा। तो ऐसा कोई माँ नहीं सिखा सकती है और कोई अपने बेटे को इस संस्कार ऐसा संस्कार नहीं देती है, नहीं दे रही है। कोई भी किसी से भी पूछ लीजिए मेरा बेटा कैसा है। और वो जो बीच बचाव करने गए थे, झगड़ा होने लगा वहाँ, बीच बचाव करने गए थे सतीश जी और चंद्रवंशी जी, उन पर भी लोग गलत आरोप लगाकर उन पर केस कर दिए।